शुरू करते हैं आज एक होम रेमेडी से। तो उसमें से आपको जितने भी हेयर लॉस हुए हैं अब तक, उसमें न्यू हेयर ग्रोथ शुरू हो। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम सेंटर। क्या आपको भी हेयर फॉल और हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो मैं लाइव डेमो के साथ दिखाने वाली हूँ, प्लस एक सीक्रेट। सारी चीज़ें आपके घर में ही अवेलेबल है, वही चीज़ों से मैं बताने वाली हूँ आपको कि कैसे यूज़ करना है। लाइव डेमो करूँगी, सब लोग को एंड तक वीडियो देखते रहें। सो प्लीज़ ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते रहो, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक पैन में एक टेबलस्पून मेथी के दाने लेने हैं और एक टेबलस्पून ब्लैक सीड्स लेने हैं। 2 मिनट तक उसको पकाना है, चलाते रहना है। मेथी हेयर मास्क लगाने से हेयर फॉल, सफ़ेद बाल और रूसी जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। और ब्लैक सीड से बालों की हेयर ग्रोथ करते हैं और झड़ने से रोकते हैं। और आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखें। देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। अब एक मिक्सर जार में इन दोनों को निकालना है और आधा कप केला डालना है उसके अंदर और आधा नींबू का रस लेना है। केलों से बालों में शाइन आती है और नींबू के रस से री ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। और इसके अंदर नींबू का रस जो डालना है वो भी आधा नींबू का रस है, जैसे आपके बाल बड़े हो तो पूरा नींबू का रस डालना है। और विटामिन ई की 2 गोली लेनी है, 2 कैप्सूल, उसको भी इसके अंदर ही मिक्सर जार में ही मिला लेना है। और लास्ट में हमें फ्रेश एलोवेरा या फिर आप मार्केट वाला जेल भी यूज़ कर सकते हैं, उसका वाइट पार्ट ही लेना है और सारों को मिक्सर कर देना है। ये हेयर मास्क रेडी है, इसकी ये कंसिस्टेंसी रखनी है। पहले सारे बालों को पार्टीशन में डिवाइड कर लेना है, फिर थोड़े थोड़े बालों पे पैक लगाते जाना है। इस वे में पूरे बालों पे अच्छे से लगाना है, जहाँ हेयर प्रॉब्लम ज़्यादा हो वहाँ अच्छे से लगाना है, लेकिन रूट से पूरा लगाना है। इसी तरह आपको पूरे बालों में लगा लेना है, फिर आप उसको 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। आप इसमें क्लचर भी लगा सकते हैं। फिर आप कोई भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए और नेचुरली ड्राई होने दें। आपको मैं आज एक सीक्रेट टिप भी बताने वाली हूँ, तो उसके लिए आप वीडियो एंड तक देखें कि रिजल्ट तो देखना बनता है ना बॉस। तो आपको मैं मिलती हूँ आफ्टर वॉश। ये हमने वॉश कर लिया है, यहाँ पे ना कोई कंडीशनर यूज़ किया है ना ही कोई सीरम यूज़ किया है गाइस, फिर भी देखिए रिजल्ट। आप इसको वीक में 1 बार यूज़ कीजिए, 2 या 3 टाइम्स से यूज़ करने से आपके बालों के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, रीग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। आप इसे एटलीस्ट वीक में 1 बार ज़रूर ट्राई करें, आपको भी रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, कमेंट करें। यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ माइल्ड शैम्पू, जो मैंने करवाया है वो है नेचर का नरिशिंग शैम्पू है, ठीक है। ये बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ और सब लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि यही यूज़ करें। इसका ही कंडीशनर यूज़ करें, कोई कंडीशनर यूज़ नहीं करवाया है, ना ही कोई सीरम लगाया है, ठीक है। तो सिर्फ मैंने शैम्पू किया है, इसीलिए मैं ये शैम्पू आपको दिखा रही हूँ। और सीक्रेट टिप जो ये है, हर रोज़ कर्ड लगा सकते हो, दही जो होता है वो लगा सकते हो, तो उससे बाल की क्वालिटी जो बहुत अच्छी हो जाएगी, तो आपको निखर के आएंगे बालों की शाइन, ठीक है। तो अगर आप यूज़ कर सकते तो वो करिए। यही थी मेरी सीक्रेट टिप, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।